जब ये छोटे छोटे थे और इनको मतलब जब बड़े हुए तो हमने पहले से ही सोच लिया था कि इनके सारी रीति रिवाज से विवाह संपन्न होगा, और जो कि इनका नाम भी मतलब रखा गया था, एक का नाम था टीना, एक का नाम था टॉमी और टीना। तो टॉमी और टीना की शादी का आयोजन किया था आपने? टॉमी और टीना का जो है मतलब विवाह संपन्न हुआ, और बाकी जितने बाराती थे सबका जो है 400-500 लोगों का खाना पीना हुआ। इससे पहले भी छोटे मोटे जो रस्म होते हैं, जैसे मांझा है, रज्जगा है, मेहंदी का आयोजन है, सारी चीजें हुई और मतलब सारे प्रोग्राम अच्छे से ही निकल गए। और आज बारात में भी तादाद काफी लोगों की थी, सब ने सहयोग करा, मोहल्ले वासियों ने करा, अदरवाइज भी आए थे उन्होंने भी जो काफी सपोर्ट करा। कितना लगभग खर्च हुआ होगा? अब सारे लोगों का सहयोग रहा तो आगे चल के भी और भी मतलब कार्यक्रम आयोजन होंगे, और ऐसे लोगों को करना चाहिए, जबकि जानवर चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो सबके साथ जो ही आम लोगों की तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए। सर आयोजन बहुत अच्छा हुआ है, जैसा कि मोहल्ले वासियों को काफी सपोर्ट रहा है, हमें लग नहीं रहा था कि मोहल्ले वाले ऐसे करें, लेकिन हम लोग का बहुत सपोर्ट रहा है। नौशाद भाई के यहाँ दूल्हे का काफी जो है पालन पोषण हुआ है शुरुआत से, और दुल्हन वाले हम लोग सपोर्ट करें काफी, और मोहल्ले वासियों को सपोर्ट करने की वजह से अच्छा प्रोग्राम होगा। थोड़ा बहुत नोटबंदी में थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता ही है, लेकिन अच्छा से अच्छा प्रोग्राम आगे से आगे बढ़ चढ़ कर हम लोग ने किया है। क्या लगता है नए साल में हर साल इसी तरह कोई ना कोई प्रोग्राम होगा? आगे से पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं, बस नोटबंदी में थोड़ा सा फर्क पड़ा है जरूर, लेकिन खर्च खूब अच्छा हुआ है, और आगे से भी कोशिश यही रहेगी कि जिस साल हो आगे से बड़ा प्रोग्राम।